समय निकाल के हमारा ये किस्सा बाजार देखने के लिए आने के लिए। और कथाकार मंडली पहली बार अपना पहला शो किस्सा बाजार के नाम से लेकर आई है और बहुत जल्दी और भी इसके शोज आएंगे, लेकिन आज ये इसकी ओपनिंग है किस्सा बाजार की, जो आप सभी के सामने समक्ष प्रस्तुत होने ही वाला है थोड़ी देर में। और उससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी अपने फोन साइलेंट मोड पे कर दें या फिर स्विच ऑफ कर दें, ताकि एक्टर्स को डिस्टर्बेंस ना हो, आपके को ऑडियंस को डिस्टर्बेंस ना हो और प्ले बहुत स्मूथली चल सके और आप इंजॉय कर सकें। थैंक यू। इन हाउस प्रोडक्शन है हाँ, और अगर आप फोटोग्राफी करते भी हैं तो प्लीज फ्लैश ऑफ रखें उसका, और ये हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है तो ऐसे ऑडियंस को वेलकम नहीं किया। परेशान नहीं किया, बल्कि मुझे भी खुद लिखने से ज्यादा बातें करना पसंद है। अब देखिए ना, हम हर चीज पे बात कर सकते हैं, इतनी सारी जगहें हैं, इतने सारे लोग हैं, हर चीज पे बात की जा सकती है। और वैसे भी आज के इस जमाने में जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लोग पेमेंट डिजिटल कर रहे हैं, शॉपिंग डिजिटल कर रहे हैं, लोग छोटा से छोटा सामान ऑनलाइन मंगा रहे हैं, अरे वो भी छोड़ो, मैं तो कहता हूँ ये व्हाट्सएप पे लोग बातें ऑनलाइन आके करते हैं। और एसएम में आप सब यहाँ आए हैं मुझे सुनने के लिए, मैं कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता। चलिए अब आप लोग आ ही गए हैं तो मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये मेरा कमरा है, मैं अपनी हर कहानी कविता यहीं बैठ कर लिखता हूँ। अब आप कहेंगे कि वो टेबल कुर्सी रखा है तो मैं इस कोने में क्यों बैठ कर लिख रहा हूँ। बात ऐसी है कि टेबल के ठीक ऊपर छत से ना पानी रिसता है। अब आप कहेंगे कि मैं उस टेबल और कुर्सी को उठाऊं और दूसरे कोने में रख लूं और वहां बैठ के लिखना शुरू कर दूं, पर मैं वैसा नहीं कर सकता। असल में उस टेबल के ठीक नीचे एक सुराख है फर्श पर, और उसको ढकने के लिए टेबल का वहां होना बहुत जरूरी है। मैं भी कहां की बात लेके बैठ गया, छोड़िए वो सब छोड़िए, मैं बताता हूँ। मैं जब यहाँ आ रहा था ना, एक कहानी मेरे दिमाग में चल रही है, उसको मैंने थोड़ा बहुत लिख भी लिया है, तो आप कहें तो मैं सुनाऊँ आपको। चलिए सुनाता हूँ। तो कहानी शुरू होती है एक मूवी थिएटर से, हाँ मूवी थिएटर से, जहाँ कहानी का नायक राम वर्मा अपने साले साहब के साथ फिल्म देखने आया हुआ है। राम वर्मा जिसने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इस शहर में एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में एज ए क्लर्क काम करता है। उसको फिल्में देखने का ना बहुत शौक है, बहुत शौक है, मतलब वो पागल है फिल्मों के पीछे। तो एक दिन उसने ऐसा किया कि शहर के सबसे बेहतरीन थिएटर की दो टिकटें बुक की और आ गए जनाब अपने साले साहब के साथ फिल्म देखने। पर उसके साले साहब की हरकतें ऐसी कि राम उसे दिन रात परेशान रहता है। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जैसा किस्मत ने चाहा था। उस थिएटर में एंट्री हुई राम के बॉस यानी कि प्रताप सिंह की, जो राम के ही जैसे अपने साले साहब के साथ फिल्म देखने आए हुए थे। हेलो सर, हेलो
और तुम्हें कैसी लगी मूवी? अरे वाह, क्या मूवी थी! नहीं आ गया। एक्सक्यूज मी सर, बुलाए? इट्स मी सर। अरे रीना जी, ये तो वही है जिसने अभी आप पे छींका था। नहीं नहीं, क्या बात करते सर, ऐसी ऐसी बात नहीं सर। सर इस बार मैं अच्छे से मुंह धो के आया हूं और ठीक तो मैं बिल्कुल बाहर निकाल चुका हूं। सच में सर, बस एक चीज है जो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है सर, और वो है वो छींक सर। ठीक है ठीक, साइड लो साइड। अरे भूल जाओ उन सब बातों को, तुम ये बताओ तुम्हें मूवी कैसी लगी? मूवी तो मुझे बहुत अच्छी लगी सर। क्या रोमांस, क्या ड्रामा और क्या एक्शन, और कॉमेडी की तो बात ही मत कीजिए सर। इतनी अच्छी कॉमेडी तो मैंने इतने सालों बाद देखी है और इतना खुल के हंसा हूं। अरे ये बताओ तुम्हारा सबसे पसंदीदा सीन कौन सा था? पसंदीदा सीन सर, अरे वही सीन सर जब मैं आपके पास छींका था। सॉरी सर, बाय मिस्टेक हो गया था बस। तुम छोड़ो छोड़ो, तुम चलो चलो चलो। अरे जीजा जी, आगे से किसी बंदे को अपने पर ऐसे छींकने मत देना। अरे जीजा जी, हाँ
असल में ये कहानी मैंने इतनी ही लिखी। अब क्या होगा सोचा है आप लोगों ने? मतलब क्या हो सकता है? पिक्चर खत्म हो चुकी है, रात हो चुकी है, राम के बॉस भी अपने घर जा चुके हैं, तो होगा कुछ ऐसा कि राम भी अपने घर पे पहुंचेगा, ठीक है? हाँ, तो अरे भाई रात हो गई है, रात को आदमी घर ही तो जाता है, तो राम अपने घर पे पहुंचेगा और वहां पे पहुंचकर वो घटना जो होगी ना उसके दिमाग से बाहर ही नहीं निकल रही होगी। वो चाह कर भी उसके बारे में सोचे ही जा रहा होगा। तो जब वो घर पे पहुंचेगा तो सोचेगा कि मैं इस बारे में किससे बात करूं, और ले देखिए उसके पास इनकी साला है तो वो भी निकम्मा है, तो ले देखिए वो, हाँ उसके अपने सारे के साथ बात करेगा, ये ठीक रहेगा। बर्बाद हो गया मैं, बर्बाद, अरे पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। वो मैनेजर मुझे नौकरी से निकाल देगा, अरे बाप रे इतने सालों की नौकरी मेरे हाथों से गई, समझो अब गई भाई गई, ये भगवान बचा ले मुझे नौकरी से। अरे जीजा जी छोटी सी बात है, बस एक छींक ही तो थी, मैनेजर साहब अब तक भूल गए होंगे। सच में भूल गए होंगे? लगता तो यही है। मुझे क्या लगता है, हम मुझे क्या लगता है कभी तो मुझे मैनेजर साहब को एक तोहफा देना चाहिए, जैसे कि पठानी कुर्ता। तू क्या बोलता है? बस भी करो, सब बात को भूल जाओ। हाँ एक चीज हो सकती है, मैं मैनेजर साहब को कॉल करूँ और उन्हें सारी चीजें बिल्कुल इत्मीनान से आराम से बता दूँ तो। लेकिन यार पता है ये सारी चीजें भी मेरे साथ ही होनी थी, आखिर मैं उस थिएटर में गया है क्यों? ना मैं उस थिएटर में जाता, ना मुझे छींका क्यों, ना ही मैं उस मैनेजर के ऊपर छींकता। चलो मान लो कि मैंने उसके ऊपर छींक दिया, तो यार उस मैनेजर के ऊपर क्यों छींकना था, तेरे ऊपर छींक देता है। सॉरी वॉरी बोल के बात वही खत्म हो जाती, लेकिन सॉरी क्यों बोलता, तेरे ऊपर छींकता और बात वही खत्म हो जाती, क्या बोलता? सही बोल रहा। अब चिंता मत करो, अब ना खुद याद रखो ना उनको याद दिलाओ, है बिल्कुल नहीं। अगर मुझे एक अच्छा इंसान मिलना है ना, मुझे बिल्कुल ऐसे ही सोचना पड़ेगा। हाँ कभी एक अच्छा इंसान बनने के लिए बिल्कुल ऐसे ही सोचना पड़ता है, और मैं बिल्कुल ऐसे ही सोचूंगा। हाँ कभी मैं बिल्कुल ऐसे ही सोचूंगा। एक अच्छा इंसान बनने के लिए राम कैसे सोचेगा? जब उसने गलती तो की है तो करेगा क्या? हाँ माफी मांगने उसको ना उसके बॉस के पास भेज देते, उसी के पास जाएगा। हाँ ऐसा ठीक रहेगा। तो वो होगा कुछ ऐसे कि राम अगले दिन अपने बॉस के पास जाएगा, उसके बॉस यानी कि प्रताप सिंह अपने केबिन में होंगे, अपने केबिन में होंगे और बहुत बिजी। अरे भाई बड़ा आदमी कितना बिजी हो सकता है, उसके पास 50-60 लोग संभाल रहा है, इतनी सारी अर्जियां आ रखी होगी। हाँ ये ठीक रहेगा, इतनी सारी अर्जियां आ रखी होगी और वो उन्हीं अर्जियों के बीच फंसा होगा। एक और उसी एक अर्जी में, उन्हीं सब अर्जी में एक अर्जी होगी हमारे राम की, ठीक है? राम अगले दिन पहुंचेगा दफ्तर के बाहर और अपनी अर्जी के इंतजार में बैठा रहेगा। हाँ ये ठीक रहेगा। और फिर राम के मैनेजर आवाज उठाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं सर, लास्ट, मैं आखिरी हूं। तो तुम्हारी याचिका क्या है? मेरी कोई याचिका नहीं है सर, यहाँ कोई याचिका देने नहीं आया हूँ। तो फिर लगता है सर आपने मुझे पहचाना नहीं। याद कीजिए सर, हम कल रात मिले थे सिनेमा हॉल में, आप अपने साले साहब के साथ आए थे, मैं भी अपने साले साहब के साथ आया था, फिर हमने साथ में बैठकर पिक्चर देखी और फिर पिक्चर के बाद मैंने आपको बताया, ठीक है अभी सॉरी सर। तो अब तुम क्या चाहते हो? गुड ब्लेस यू। नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, पकड़िए आपके लिए तोहफा लाया हूँ स्पेशल। बात कुछ ऐसी है सर कि मैं आपको बस ये बताने आया हूँ कि छींक के पीछे ना कोई राजनीति के सामाजिक प्रेरणा नहीं थी, बल्कि ये तो उस भगवान का किया हुआ एक अहिंसक कार्य था जिसके लिए मैं आज भी अपने आप को कोसता हूँ। या फिर ये घमंड मेरे चेहरे पर आया कैसे, किसका ये सारा किया था? सर
सर अगर आपको सजा देनी ही है ना तो मुझे नहीं, मेरे इस नाक को दीजिए। मैं तो कहता हूँ इसे हटा के वोल्डेमॉर्ट की नाक बना दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। अरे उठो, अरे उठो, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन ये तुम्हारी नेजल प्रॉब्लम्स के लिए मेरे पास समय नहीं है। तुम्हें काम करो, घर जाओ, जो तुम्हारी नाक को पसंद आए, ठंडा पानी, गर्म पानी, उससे नहाओ, ठीक है? चलो जाओ। गॉड ब्लेस यू सर, आपको भी और आपके साले साहब को भी। मैं तो उस ऊपर वाले से बस यही दुआ करूंगा कि आपकी आने वाली रात उस रात से भी अच्छी जाए सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। राम खुश है, उसके बॉस ने उसको माफ भी कर दिया है, तो अब क्या होगा? अब होगा कुछ ऐसा कि राम, एक मिनट, राम खुश है तो कल अपने घर पे पहुंचेगा, घर पे पहुंचेगा, उसको बड़ा लाइट फील हो रहा होगा और वो कोई गाना गाते हुए अपने घर पे पहुंचेगा। कहते हैं आज मौसम ये ठीक रहेगा। आज मौसम है बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम आने वाला। आने वाला तूफान, ठीक है, छोटी सी बात थी तो फिर मुझे इतना क्यों तड़ाया गया, मुझे इतना क्यों तड़पाया गया, मुझे जानबूझ के तड़ाया गया है, यानी मुझे बेइज्जत किया गया है, मुझे जानबूझ के बेइज्जत किया गया है, मुझे कभी मुझे बेइज्जत किया गया है, कभी मुझे बेइज्जत किया गया है, बेइज्जत किया गया, हाँ कभी, हाँ। तो आपकी बेइज्जती कौन कर सकता है, तो इज्जत नहीं है। मेरा मतलब उस मैनेजर ने, क्या था उसने, उस मैनेजर साले सुअर की औलाद ने बड़ी चालाकी से मुझे बेइज्जत किया। पहले उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उसके ऑफिस पे जाऊं, फिर अपने घुटनों को बैठ के उससे माफी मांगू, और उस समय मैं बस एक बड़बड़ा था, बेवकूफ लग रहा था, कुछ नहीं कभी। वो तो आप हमेशा लगते हैं। क्या मेरा मतलब इसे तुझे को भूल जाओ। नहीं 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 कभी, मैं उस मैनेजर के पास और उसे जाके सब बता दूंगा कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। हम में से गरीब लोगों को आगे आना चाहिए कभी, और इस नाइंसाफी के विरुद्ध लड़ना चाहिए, लड़ना। इन जैसे लोगों ने ही हम जैसे लोगों का, हम जैसे लोगों का बलात्कार किया है, और हमें इसके खिलाफ लड़ना है, लड़ना है कभी। एक ऐसा जहाँ जहाँ कहा लड़ा है, जहाँ हर कोई नाक मुंह झीक सके, और हम बनाएंगे ऐसा जहाँ जिसकी पहली सुबह बहुत खूबसूरत होगी, कभी बहुत खूबसूरत होगी। तू मेरे साथ मिलकर ऐसा जहाँ बनाएगा जिसकी पहली सुबह बहुत खूबसूरत होगी, बहुत। चल कभी चल, होगी खूबसूरत सुबह। हाँ, राम को लग रहा है उसको षड्यंत्र में फंसाया गया। हाँ, तो क्या करेगा? उसने कहा है कि खूबसूरत सुबह बनाएगा, तो इसके लिए पहला कदम क्या उठाएगा? वो गुस्से में है, रोश में है, तो ऐसा करते हैं उसकी मुलाकात उससे, उसके बॉस से करा देते हैं, फिर देखते हैं कैसा होता है। हाँ, होगा ऐसा कि अगले दिन राम अपने बॉस के पास फिर से पहुंचेगा, और हर बार की तरह उसके बॉस बहुत बिजी होंगे। ये बड़ा आदमी है, कितना काम करेगा, बहुत काम करता है, छोटे लोग तो काम करते नहीं है। जैसे राम को देख लो आप, राम इधर से उधर घूम रहा है, एक मिनट ना। तो राम अगले दिन अपने बॉस के पास पहुंचेगा, वो भी खुश है। लास्ट, अच्छा लास्ट लास्ट, बोलो बोलो कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, बोलो 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 कि तुमने मुझे आज से पहले कभी देखा ही नहीं, बोलो तुम। हाँ हाँ,
मैं वापस आ गया, पर इस बार मैंने नहीं गर्म पानी से और नहीं ठंडे पानी से नहाया, समझे? तुम्हें अंदर आने दिया किसने? सिक्योरिटी, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तुम खुद इस कुर्सी पर बैठे हुए हो और मुझसे पूछते हो कि ये क्या हो रहा है? खुद तुम मैनेजर बन के बैठे हुए हो और मुझसे पूछते हो कि ये क्या हो रहा है? ये जानते हुए भी कि तुम जैसे लोग ही अमीर गरीब जाति धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं, एक वो लोग हैं जिनकी सेवा की जाती है और एक वो लोग हैं जो सेवा करवाते हैं, एक वो लोग हैं जिन पर हुक्म चलाया जाता है और एक वो लोग हैं जो हुक्म चलाते हैं, और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा एक ऐसा पल आता है जब हमें बेइज्जत किया जाता है और तुम इस कुर्सी पर बैठ के मुझसे पूछते हो क्या हो रहा है? चुप, बिल्कुल चुप, कब से बड़बड़ा रहे हो? तुम चाहते क्या हो? मुझे लगा था कि कुछ ही की बात क्लियर नहीं हुई तो तुमसे अच्छे से बात करके बात को क्लियर कर दूंगा, लेकिन नहीं, तुमने मुझे बड़ी चालाकी से बेइज्जत किया। चुप, बिल्कुल चुप, अगर एक शब्द और बोला ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। सुना तुमने? नाम बताओ अपना, नाम बताओ अपना। राम। पूरा नाम बोलो अपना। राम वर्मा। तुम ना इंसानी बैक्टीरिया हो, कीड़े हो, कीड़े तुम, कीड़े नहीं तुम, कॉकरोच के भाई हो तुम, बंदर की टांग तुम, कुत्ते तुम कुछ भी नहीं हो। सुना तुमने? आउट, आई सेड गेट आउट। आखिर क्या होता है उस आदमी के साथ जिसकी इतनी बेइज्जती हो जाती है? और कैसा फील कर रहा होगा राम इतनी जिल्लत है सुनने के बाद? तो होगा कुछ ऐसा कि राम अपनी बॉस की बेइज्जती झेलते हुए घर पे पहुंचेगा। हाँ, ऐसा ही करते हैं। वो अंदर से टूट चुका है पूरी तरह से और उसका रोने का मन कर रहा है पर वो रो नहीं पा रहा है। तो रुवासा होके ना राम अपने घर पे पहुंचेगा। ये ठीक है, घर पे राम अपने घर पे पहुंचा, सोफे पर बैठा और मर गया। नहीं, मजा नहीं आया, कुछ और। राम सोफे पर बैठा, और तभी उसका ताला भागते हुए अंदर आएगा। हाँ, जीजा जी जीजा जी आ हुआ जीजा जी लॉटरी लग गई, पैसे ही नंबर और जीजा जी पैसे ही नंबर। ये सब लॉटरी, ये अरे ये हम क्या लग गई, क्या लग गई, लॉटरी। अरे मेरे साले जी, ओ मेरे जीजा जी, मेरे साले, ओ मेरे जीजा जी, बदला लेने के लिए करूंगा। वैसे तू बस देखते जा, सब मैं करूंगा, समझा? फिर राम ने ठीक वैसा ही किया। उसने उस लॉटरी के पैसों से अपने बॉस यानी कि प्रताप सिंह की पूरी कंपनी खरीद ली, पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली। और एक मिनट, अब उसका बॉस यानी कि प्रताप सिंह उसका नौकर यानी कि क्लर्क था और वो अपने बॉस का बॉस। एक मिनट,
ये ठीक रहेगा। हाँ, उसने अपने बॉस की कंपनी खरीद ली, अब उसका वो अपने बॉस का बॉस और उसका बॉस उसका टर्क हो चुका था, और अब उसने वो करना शुरू किया जो वो करना चाहता था। ठीक।